हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो हियर इज द कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 31 मई 2021। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि अब डेली न्यूज़ आएगी, क्योंकि अब कुछ कुछ न्यूज़ आने लग गई है, तो हम डेली अपना न्यूज़ इनरोल करेंगे। अब 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। अभी तक हम क्या हो गया था कि 40 40 मिनट तक वीडियो जा रही थी, तो बहुत बच्चों का डीएम आ रहे थे कि सर छोटी वीडियो बनाओ छोटी वीडियो बनाओ। तो हमारी डेली वीडियो आएगी, ठीक है। हम अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है RM 2021। जिसको इसमें इनरोल होना है वो हो सकता है। ये कंप्लीट कोर्स है फॉर पेपर 1 पेपर 2। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इवन हमने इसमें टेस्ट सीरीज भी डाल दी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा पेपर 1 पेपर 2 जो भी पूछा जाए आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। आप सीधे हमारे एंड्रॉयड ऐप पे, ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड पे, iOS में, दोनों में आप जाके इनरोल हो सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज भी हैं इसके अलावा भी, तो जिसको जो अच्छा लगे वो हो सकता है। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Shivam10, तो आपको थोड़ा कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। और किसी को कुछ फर्दर इंक्वायरी करनी है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जिसको जो भी डाउट है सीधे व्हाट्सअप करिए, आपको पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। हम आगे चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट टू गिव वर्डिक्ट ऑन सेंट्रल विस्टा वर्क टुडे। तो ये क्या चीज़ है सेंट्रल विस्टा? सेंट्रल विस्टा कुछ नहीं है, नया हमारा पार्लियामेंट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम है। बस आपको यही याद रखना है, नया पार्लियामेंट और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का घर वर सब बनेगा इस एरिया में, तो उसकी बात चल रही है। तो अभी क्या हुआ था, कोविड के टाइम्स पे भी यहाँ पे काम चल रहा था, तो बहुत लोगों ने पटिशन दायर कर दी थी कि आपने सारा काम धंधा कंस्ट्रक्शन बंद करा दिया, लेकिन आपने इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं कराया। तो हाईकोर्ट ने क्या करा था कि अपने ऑर्डर को रिजर्व कर दिया था, उसने कोई डिसीजन दिया नहीं था। तो अब इसका डिसीजन आएगा आज, तो अब तो आ ही जाएगा। अब तो कोविड कम हो गया, तो अब तो हाईकोर्ट वाले बोल देंगे कि अब तो चलने दो इसे, जब करना चाहिए था तब हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, अपने जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म विल लक्षद्वीप कुड डू विदाउट। तो अभी लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने सुना भी होगा। अगर आप ट्विटर फॉलो करते हैं तो सेव लक्षद्वीप करके एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है सेव लक्षद्वीप। तो क्या प्रॉब्लम आई है, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। वैसे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, मैं बता दूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आगे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर ये कंटिन्यू रहा तो। देखिए अभी क्या हुआ था, पिछले साल 2020 में, जो पहली चीज़ तो मैं बताता हूँ, जैसे दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में आप आ जाएंगे तो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेगा और सीएम मिलेगा, दो लोग मिलते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेकिन जो अंडमान, दिल्ली भी हमारी क्यूटी है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हुआ या लक्षद्वीप हुआ, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। काम वही होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं वही एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, बस नाम अलग है। एडमिनिस्ट्रेटर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम अलग है। दिल्ली में हम उनसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में, सब जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार लक्षद्वीप यहाँ पे सब हम इन सबको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। मेनली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं आईएएस अफसर होते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले साल जो बीजेपी के मेंबर थे, फॉर्मर मेंबर हैं, जीत चुके हैं, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इनको बनाया गया था लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर पिछले साल। तो इन्होंने क्या करा, कुछ नए रूल्स, कुछ नए ड्राफ्ट ये लेके आए, जिसकी वजह से जो लक्षद्वीप की जो लोग हैं वो परेशान हो गए और इसका प्रोटेस्ट करने लगे हैं। तो मेनली ये जो इन्होंने जो चार चीज़ों से वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है, बस आपको पता होना चाहिए इन चारों का क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या नाम है। देखिए सबसे पहले, इन दिसंबर लास्ट ईयर इन द न्यूज़ फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस अ स्लू ऑफ ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, ये क्या क्या लेके आए, द लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021। तो पहली बात है, ये एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021 लाए हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बात हो रही है एनिमल प्रिजर्वेशन। इन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि हमें बीफ बैन करना है। इंडिया में तो मान के चलिए, जो हमारा और इंडिया वाला पार्ट है अपार्ट फ्रॉम दिस, वहाँ पे तो मेनली सब जगह बैन है, लेकिन यहाँ पे बैन नहीं था। यहाँ पे लोग कंज्यूम करते थे, अप्रॉक्स 90% यहाँ लोग मुस्लिम रहते हैं, लक्षद्वीप में कम से कम 90% मुस्लिम जनसंख्या है, तो यहाँ लोग बीफ खाते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसको बैन करने के लिए इसमें बात हो रही है एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021 में, इससे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला तो ये एक्ट हो गया जिसके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं ये लोग, द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन पासा। पासा को इन्होंने दूसरा नाम दे दिया था, ये जो पूरा नाम गवर्नमेंट की तरफ से, इसको इन्होंने बोला था गुंडा एक्ट। इसमें क्या था, जो भी इल्लीगल एक्टिविटी करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उनको ये सीधे गुंडा एक्ट के तहत उनको पकड़ सकते हैं और उन्हें डिटेन कर सकते हैं, उनको जेल में कर सकते हैं 1 साल के लिए बिना किसी को बताए। जैसे आपने पढ़ा था ना रोवल्ट एक्ट जब अंग्रेजों के टाइम पे आया था, उसमें भी तो यही बात हुई थी रोवल्ट एक्ट में कि हम किसी को भी 2 साल के लिए डिटेन कर सकते हैं। तो कुछ सिमिलरिटी आपको इसमें मिलेगी डिटेन करने में, कि गुंडा एक्ट आएगा, बस ये है कि गुंडा एक्ट में जो इल्लीगल काम करते हैं तो उसको 1 साल के लिए सजा का प्रावधान है और बिना किसी को बताए। ये सबसे गलत बात है इस एक्ट में। तो दूसरा हो गया अपना पासा एक्ट, इसमें ये दिक्कत, मैं आपको दिक्कत बता रहा हूँ जिससे लोगों को प्रॉब्लम चल रही है। तीसरा आता है द लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021। अब पंचायत रेगुलेशन में क्या दिक्कत आ गई, इन्होंने इस रेगुलेशन में ये बोल दिया कि कोई भी पंचायत का सदस्य जिसके दो बच्चे से ज़्यादा हैं, जिसके मोर देन दो बच्चे हैं, मोर देन दो चिल्ड्रेन हैं, तो वो
पंचायत का मेंबर नहीं रहेगा, सिंपल बात। अब भाई तुम सडनली किसी पे लागू कर दोगे किसके दो बच्चों से ज्यादा है तो पंचायत का सदस्य नहीं रहेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो इसमें यही बात बोली गई है, इसलिए इसका लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तीसरा बात ये हो गई। चौथा जो सबसे लास्ट वाला है LDAR, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आ रही है, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट इसी पे हो रहा है LDAR पे। इसमें क्या बोला गया, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, ये ड्राफ्ट रेगुलेशन है, मतलब ये ड्राफ्ट के फॉर्मेशन में, अभी एक्ट लागू नहीं हुआ है। इसमें यह बोला गया कि सरकार चाहे तो वो, सरकार को अगर ज़रूरत है किसी के लैंड की तो सरकार वो लैंड किसी से भी अधिकृत कर सकती है, सरकार वो लैंड किसी से भी छीन सकती है। मान के चलिए मैं शिवम, मेरी कुछ ज़मीन लक्षद्वीप में है, मान के चलिए लक्षद्वीप में मेरी लैंड है, बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे टूरिस्ट बन सकता है, लेकिन सरकार चाहती है कि नहीं यहाँ पे कुछ और बनना चाहिए, सरकार का वेयर हाउस बनना चाहिए, तो सरकार क्या कहेगी कि आप शिवम हमें बेच दीजिए, आप बेचना चाहे ना बेचना चाहे, हम आपकी ज़मीन जो है, इस जो लैंड का भाव चल रहा है इस पर हम अधिकृत कर रहे हैं, आपको देनी ही पड़ेगी। तो इसमें हमारा कोई वो ही नहीं पूछा सरकार ने कि ये भाव चल रहा है आप बेचो ना बेचो, हम तो खरीद के रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही है LDAR 2021 में। तो ये मेन चार मुख्य जो मैंने आपको बताया, एक तो बीफ वाली जो बात है उसके लिए, दूसरा गुंडा एक्ट के लिए, तीसरा ये दो बच्चों से ज्यादा होगा ये, और LDAR किसी की भी जमीन को आप ले सकते हैं ये बात हो रही है। तो ये मेनली चार लॉ है जिसकी वजह से लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ कुछ इसमें गलत बात है, जो ये डिटेनेशन वाली बात है तो बिल्कुल ही मेरे को थोड़ा गलत लग रही है कि एक साल के लिए आप बिना किसी को बताए डिटेन कैसे कर सकते हो। भाई बताओ, प्रॉपर लॉ के थ्रू काम करो ना। ये डिटेन्ड तो रॉयल टैक्ट करता था अंग्रेजों ने इंडिया को दबाने के लिए। अब जो भी है, देखिए क्या होता है, ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। अभी तो ड्राफ्ट रेगुलेशन में अभी इनमें से कोई एक्ट लगा नहीं है, एक लग गया है शायद बीफ बैन वाला लग गया, लेकिन ये जो LDAR है अभी रेगुलेशन स्टेज में, अभी एक्ट नहीं बना है, तो लोग इसी बात से डर रहे हैं कि एक्ट ना बन जाए। जो ये जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, इनका कमेंट ये है कि ऐसा नहीं है, हम किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे, हम ये चाहते हैं कि हम मालदीव्स मॉडल को फॉलो करें, जैसे लोग घूमने के लिए मालदीव्स जाते हैं तो मालदीव्स ना जाके हम लक्षद्वीप को इतना डेवलप कर दें कि लोग मालदीव छोड़ के लक्षद्वीप में टूरिस्ट मनाने आने लगें। तो इनकी तरफ से ये कमेंट है। तो अपने काम का जो है वो मैंने आपको सारा बता दिया, जो भी बात चल रही है। एक इसमें इंपॉर्टेंट ये देखना पड़ेगा, मैप ऑफ लक्षद्वीप आप देख लीजिए, केरला से मात्र ये 200 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। पहले यहाँ पे 26 आइलैंड होते थे, मैं पहले से बता देता हूँ, पहले यहाँ 26 आइलैंड होते थे, आई थिंक 36 आइलैंड होते थे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया 36 में, हाँ 36 ही आइलैंड होते थे, लेकिन अब यहाँ पे 35 आइलैंड हो गए। एक आइलैंड जो है वो डूब चुका है, सिंक हो चुका है। मैं आपको कल भी एक सिंकिंग आइलैंड बता रहा था, यहाँ पे भी एक आइलैंड डूब चुका है, उसका नाम है पिराली वन। ये भी न्यूज़ में रह चुका है कि कौन सा आइलैंड लक्षद्वीप में डूबा है, तो आपको इसका नाम स्पेशल ध्यान होना चाहिए, लक्षद्वीप का वो आइलैंड है जो डूब चुका है, पिराली वन। तो अब यहाँ 35 आइलैंड रह गए। तो आपको नाइन्थ चैनल भी पता होना चाहिए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में बनता है। एट्थ चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में बनता है। ऐसी अंडमान के बीच में क्या बनता है, डंकन पास जो है वो साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है। ये ऑलरेडी CDS में इस साल का जो 2021 का जो CDS हो चुका है उसमें ये सवाल आ चुका है, इससे रिलेटेड सवाल आया, इससे नहीं आया, लेकिन अब ये न्यूज़ में है, तो नाइन्थ चैनल और एट्थ चैनल भी पूछा जा सकता है। नारकोंडम आइलैंड पढ़ सकते हैं, बैरन आइलैंड पढ़ सकते हैं, ये इंदिरा पॉइंट है, 10 डिग्री चैनल है। तो 8, 9, 10 तीनों चैनल आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पिराली वन सॉरी इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है आगे चलते हैं। सॉरी यार गला खराब हो गया थोड़ा। मॉनसून ऑनसेट ओवर केरला डिलेट, तो अभी जो मॉनसून आने वाला था इंडिया में वो थोड़ा डिले हो गया। ऐसा कौन बोल रहा है, IMD बोल रही है, प्राइवेट फोरकास्टर जो स्काईमेट है उसने भी ऐसा ही बोला है। सॉरी यार, तो अपने जो इंडियन मॉनसून है उसे हमें थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंडियन मॉनसून कैसे कैसे आता है। तो देखिए मैंने एक छोटी सी पिक्चर लगाई है इंडियन मॉनसून के बारे में क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, विंड जो फ्लो करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो क्या होता है कि गर्मियों में, मान के चलिए जो जून जुलाई का, जो मई जून जुलाई का महीना है, तो जो लैंड है उस पर सन की हीट पड़ती है, तो सन की हीट पड़ती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है। ज़मीन गर्म होगी तो वहाँ लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो जाता है, तो इस पूरे रीजन में लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ज़मीन गर्म हो जाती है तो इसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो गया। लेकिन जो ये वाला रीजन है, जो हमारा नीचे वाला रीजन है, यहाँ क्या होता है, पानी जो है वो इतना गर्म नहीं हो पाता, लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, पानी उतना गर्म नहीं हो पाता, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म हो जाता है। आपको पता है कि विंड जो फ्लो करती है वो हमेशा हाई प्रेशर थ्रू लो प्रेशर फॉर्म करती है, तो विंड जब यहाँ से चलनी शुरू होती है तो यहाँ पे आपको पता है पानी है, तो यहाँ से पानी उठाती है विंड, और ऐसे ऐसे आता है हमारे यहाँ इंडियन मानसून। तो दो तरीके से घुसता है इंडिया में मानसून, एक तो ऐसे इस डायरेक्शन से घूमता है, एक इस डायरेक्शन से घूमता है, मतलब दो ब्रांच होती है, तो अरेबियन ब्रांच होती है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। एक सवाल ये बनता है कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है किस ब्रांच
की वजह से होती है। तो अरेबियन सी ब्रांच से 65% रेन होती है इंडिया में, और बे ऑफ बंगाल की वजह से 35% रेन होती है। तो ऐसे करके इंडिया में घुसता है मॉनसून। ये देखिए अरावलीज के पैरेलल होता हुआ, तो यहाँ सारा वेस्टर्न घाट को चीरता हुआ सारा मॉनसून ऐसे ऐसे घूमता है और यहाँ पे जाके दोनों मिल जाते हैं, यूपी और दिल्ली वाले रीजन में जाके दोनों मिल जाते हैं, ऊपर तक जाता है पंजाब हरियाणा तक बारिश करते हैं लोग। तो ये छोटा सा मॉनसून के बारे में मैंने आपको बता दिया, बस आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि मॉनसून कैसे फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मॉनसून है, इसी पे सबको डिपेंड रहता है, अपनी पूरी एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंड रहती है। इसलिए हमें एग्री बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, आप जाके एनसीईआरटी रीड कीजिएगा, बहुत प्यारा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी किसी बच्चे को मॉनसून में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं इसे अलग से समझा दूंगा। श्रीलंका टू सू सिंगापुर वेसल ओनर्स ओवर पॉपुलेशन। तो सिंगापुर का एक वेसल था जो श्रीलंका की जमीन पे आके उसमें आग लग गई, तो इसी के लिए पॉल्यूशन उस पर केस करने के लिए बात कर रहे हैं। बस इसका नाम पता होना चाहिए आपको, एक्सप्रेस पर्ल। एक्सप्रेस पर्ल आपको तो आजकल आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा मरीन पॉल्यूशन हो रहा है, कभी किसी टैंक का ऑयल लीकेज हो जाता है तो ऑयल स्पिल हो जाता है। ऑयल स्पिल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ऑयल जो है वो स्पिल हो गया जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो गया, ये इसमें आग लग गई। तो इसका नाम पता होना चाहिए एक्सप्रेस पर्ल, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल सीयूपीएससी भी ऐसे ऐसे सवाल पूछने लग गया कि वो प्लेन उड़ा था उसमें आग लग गई थी, उस प्लेन का नाम बताइए कौन सा प्लेन था। सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो अब ये भी पूछ सकता है कि, तो इसीलिए इसका नाम आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेस पल, इसका नाम है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, कल तक हम पढ़ लिए थे अपना पूरा, हमने HRM तक पढ़ लिया था, होम रूल मूवमेंट। तो अब हमारा जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, क्योंकि डेली अगर न्यूज़ आएगी तो डेली मैं पढ़ाऊंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 से आप कोई भी पेपर देखेंगे इसमें सवाल होता ही होता है। देखिए जो ब्लू पॉइंट है ये आपके स्पेक्ट्रम के पार्ट हैं ब्लू पॉइंट वाले। फिर मैंने जब लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़ा तो उसमें भी कुछ मेरे को नए पॉइंट्स मिले। तो ये जो ब्लैक लाइन से लिखा है ये सारे वो पार्ट्स हैं जो लक्ष्मीकांत के पॉइंट लक्ष्मीकांत में लिखे हुए थे। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो लक्ष्मीकांत का अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारे एक्ट को एक्सप्लेन किया गया है, तो मैंने सबको एक ही जगह कंसोलिडेट करके लिख दिया, इन्हीं से सवाल होता है, आप पढ़ते जाइए। सबसे पहले इस एक्ट को हम बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1990 को हम बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें बोला गया था कि सेपरेट सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट बनाएंगे, जो लिस्ट सेंट्रल की और प्रोविंस की हम अलग अलग लिस्ट बनाएंगे। इसमें हम अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर की बात की गई थी कि हम हाई कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगा सेंट्रल लेवल पे। बाय कैमरल का मतलब क्या है कि सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा तो होगी लेकिन स्टेट पे भी हमारा जो विधानसभा और विधान परिषद है वो होगा, तो लोअर हाउस अपर हाउस दोनों जगह होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब बाय कैमरल, बस आपको ये वर्ड ध्यान होना चाहिए, बाय कैमरल होगा सेंट्रल लेवल पे, और सेपरेट होगी सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। आउट ऑफ 8 वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 वर इंडियन, अगर 8 हैं वॉइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर तो उसमें से कम 3 जो है वो इंडियन होने चाहिए। ICS ऑल्सो हेल्ड इन इंडिया, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ICS क्या इंडियन सिविल सर्विस की जो एज है उसको तो इन्होंने रिड्यूस बढ़ा दिया था 19 से 21 कर दिया था, लेकिन जो साइमल्टेनियस उसकी एग्जाम की बात की थी कि आप भाई एग्जाम देने के लिए आप इंग्लैंड क्यों जा रहे हो, आप इंडिया में ही एग्जाम दे सकते हो, तो इसकी बात इसी एक्ट में कही गई है कि ICS जो इंडिया में होने लगेगा। वोमेन को पहली बार, ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वोमेन को कम मिला था वोट देने का अधिकार, तो इसी एक्ट में मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वोमेन गेट राइट टू वोट। सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और सिख के लिए, तीनों अलग कम्युनिटियां अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को कहां मिला है, 1909 वाले एक्ट में मिला है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम को मिला है। उसको फिर सेपरेट इलेक्टोरेट को INC ने अप्रूव भी कर दिया था इन लखनऊ पैक्ट, ये हम सब पढ़ चुके हैं। इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है वो क्रिश्चियन को मिला है, एंग्लो इंडियंस को मिला और सिख को मिला। फिर डायरकी, डायरकी का मतलब है डबल गवर्नमेंट, ये भी सवाल पूछा जाता है कि डबल गवर्नमेंट किस एक्ट में बोली गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इसमें कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, रिजर्व वो सब्जेक्ट हैं जिनको हेड अंग्रेज लोग करेंगे, और ट्रांसफर वो सब्जेक्ट हैं जिनको हेड इंडिया लोग करेंगे। तो ट्रांसफर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे एजुकेशन पे कोई लेना है डिसीजन या हेल्थ पे कोई डिसीजन लेना है तो उसको इंडियन मेंबर हेड करेंगे, या फाइनेंस लैंड और रेवेन्यू इरिगेशन इन सब पे लॉ एंड ऑर्डर इन सब पे गवर्नर हेड करेगा जो अंग्रेजों की तरफ से चुना गया। प्रॉपर्टी को फिक्स कर दिया गया था कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है तभी आप वोट कर पाएंगे, प्रॉपर्टी फिक्स फॉर वोटिंग। और सेपरेट प्रोविजन फॉर बजट, इसमें बजट को बोला गया था कि सेपरेट प्रोविजन आप सब वोट कर सकते हैं लेकिन स्टिल 75% जो हमारा बजट था वो नॉन वोटेबल था कि आप उस पर वोट ही नहीं कर सकते। तो मुख्य मुख्य 8-10 पॉइंट हैं जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से सवाल बनता है, इसी को हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं उनसे मेनली सवाल बनता है, एक तो डबल गवर्नमेंट, पहली बार वुमेन को राइट कम मिला था, और ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और डबल और ये क्या कहते हैं सेंट्रल प्रोविंशियल लिस्ट कब एस्टेब्लिश हुई।
तो और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन सा है या ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पूरा आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि सारे पॉइंट आपको एक ही जगह मिल जाए। सो ये पूरी थी आज हमारी, कंटिन्यू आगे होती रहेगी। सो आज का न्यूज़ इतना ही था। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। डेली न्यूज़ आएगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शिवम अंडरस्कोर त्यागी अंडरस्कोर एसटी। आई ऑल्सो प्ले स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। और आप हमारे कोर्स बाय कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर दीजिए ताकि आपको सारी PDFs मिलती रहे, तो आपको परेशानी ना हो, हमारे लेटेस्ट अपडेट्स भी वहीं पर आते हैं। ठीक है, सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे।